नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी का मॉडल पेपर नंबर 20। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 20 की। इसके पहले मैं आपको 19 मॉडल पेपर बता चुका हूं। दोस्तों आपके लिए मैं डेली जीके जीएस और जीए के मॉडल पेपर लेके आता हूँ, जिसमें कि हर मॉडल पेपर में मैं 40 क्वेश्चन कवर करता हूँ, जो वही प्रश्न है जो कि रेलवे की पुरानी परीक्षाएं, जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हुई है, 2015-16 में एनटीपीसी की एग्ज़ाम, 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एएलपी का एग्ज़ाम और आरपीएफ की परीक्षाओं में रेलवे अक्सर प्रश्न पूछता है, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को कवर किया है। तो आज हम मॉडल पेपर नंबर 20 देख रहे हैं। इसके पहले मैं 19 पेपर बना चुका हूं। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी है जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है। जितने भी मॉडल पेपर आएंगे जीके जीएस और जीए के, वो सभी वीडियो उस प्लेलिस्ट में जुड़ते जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वह शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। आपको बताना कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि मतलब हड्डी, मतलब सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। जो मनुष्य के जबड़े में जो हड्डी होती है वह सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे प्रबल अस्थि होती है। विज्ञान का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा समरकंद। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। कहाँ पर स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी है वो भारत में स्थित नहीं है, बाकी K2, कंचनजंगा और नंदा देवी, ये तीनों जो चोटियां हैं वो भारत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा द पियानो टीचर। आपने नाम सुना होगा द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है। आपको बताना है कि पियानो टीचर किसने लिखी है, इसकी लेखिका कौन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरविंद अड़िग। अरविंद अड़िग के द्वारा लिखी गई है द पियानो टीचर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक। किसके अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिक के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है। आपको बताना है कि विलियम्स बहना, आपने नाम सुना होगा, वे किस खेल में प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। विलियम्स बहने किस खेल में प्रसिद्ध है, टेनिस खेल में प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, डेली की तरह एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टडी ग्रुप, उनमें शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्त को भी बताएं आप हमारे चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करवाएं और उनको सब्सक्राइब कराने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई। कहां पर स्थापित किया गया था, बंबई में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है। आपको बताना है कि ए फेरी क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है ए फेरी क्वीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। इतिहास का प्रश्न है, आपको बताना है कि किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने सोने चांदी के सिक्कों को बंद करा के तांबे के सिक्के चलाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्नौली प्रमेय आधारित है। आपको बताना है कि बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली की प्रमेय। विज्ञान का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको बताना है कि अंगूर में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आगा खान, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संसद, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला है, आपको बताना है कि दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला इनमें से कौन सी, आपने नाम सुना होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जंतर मंतर। जंतर मंतर कहां पर स्थित है? दिल्ली में, और सबसे प्रसिद्ध वेधशाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप इथाइल एल्कोहल, जिसे हम शराब भी कहते हैं, उसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे किस पर प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लीवर पर। इससे लीवर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा लीवर खराब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। आपने सॉफ्टवेयर चलाया होगा ये वाला एक्सेल, जो एमएस एक्सेल होता है उसमें जो सेल होती है, जो सेल की पहचान कौन करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एड्रेस। हर सेल का एक एड्रेस होता है जिससे कि सेल की पहचान की जाती है। सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वाटर टैंकों में शिवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो वाटर टैंकों के भीतर जो शिवाल उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है कि आम का वनस्पतिक नाम इनमें से क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर डॉन ब्रेडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? आपको बताना है कि सर डॉन ब्रेडमैन, इनका नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। सर डॉन ब्रेडमैन का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से, और उन्होंने इस खेल में बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आपको बताना है कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। कौन था वह शासक? कनिष्क था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? विज्ञान का प्रश्न है कि मृग तृष्णा क्यों बनती है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? मृग तृष्णा मतलब क्या होता है कि जो हिरण को दिखता है कि बहुत दूर कहीं पर रेगिस्तान में पानी उपलब्ध है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, तो उसका क्या कारण होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा का कारण क्या होता है? बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो इनमें से किन चीजों से बना हुआ है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लकड़ी का। किसका बना हुआ था वह? लकड़ी का बना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? आपको देश का नाम बताना है जो कि अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो दिया सलाई होती है जिसे हम माचिस कहते हैं, उसके निर्माण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेनियम। क्या प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई, जो माचिस के निर्माण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता? आपको बताना है कि हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। क्रिकेट में भी हैट्रिक का प्रयोग होता है, फुटबॉल में भी हैट्रिक का प्रयोग होता है, और हॉकी में भी हैट्रिक का प्रयोग होता है, लेकिन लॉन टेनिस में हैट्रिक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर क्रिकेट में कोई 3 विकेट ले लेता है, या फुटबॉल में अगर जैसे कि 3 गोल कर देते हैं, हॉकी में 3 गोल कर देते हैं, उसे हैट्रिक कहते हैं, लेकिन लॉन टेनिस में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी की श्रेणी में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जल मरुमध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेरिंग जल मरुमध्य, जो कि अमेरिका को रूस से अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सफेद महाद्वीप कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? आपको बताना कि यह परिभाषा किसने दी है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रोमर। क्रोमर ने यह परिभाषा दी थी कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? आपको बताना है कि कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है। इसके सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरो का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। कहाँ के वे? स्पेन के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आपको बताना है कि सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। कहाँ पे किया था? चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? चीनी का भंडार या फिर चीनी का प्याला नाम से कौन सा देश को हम जानते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्यूबा देश को हम चीनी भंडार या चीनी के प्याले के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तेमुरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? किस सन में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में तेमुरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? निफ्टी जो है निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आशापूर्णा देवी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला थी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है आज का, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको 40 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, 20, 25, 30, जितने भी अगर आपको मार्क्स आए वो जरूर लिखें, और अपने RRB जोन का नाम भी जरूर लिखें कि आप किस RRB जोन से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आप डेली इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी एक स्पेशल साइंस की क्लास चालू होने वाली है, करंट अफेयर्स की, रेलवे करंट अफेयर्स चालू होने वाले हैं, GK GS की क्लास मैं आपको डेली दे ही रहा हूं। इसके अतिरिक्त तो मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी चालू होने वाली थी। ये सभी 4 से 5 क्लास अब डेली आपकी लगने वाली है। इसका मटेरियल तैयार हो रहा है, और जैसे ही मटेरियल तैयार हो जाएगा फिर आपको डेली क्लास मिलने लगी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि करंट अफेयर्स के मैं आपको 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन करवा दूंगा कंप्लीट, साइंस के मैं आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, और मैथ्स रीजनिंग के भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों के 1000-1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आपको जो कि एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा तो हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि आपको 85 प्लस मार्क्स आप एग्जाम में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। CBT 1 में जो कि NTPC का एग्जाम होगा, CBT 1 का, उसमें आप आसानी से 85 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे वीडियो डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।